जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। हाँ, पहले मेरा नाम शकीना मंसूरी था। कुछ 1.5 साल पहले मेरी दीपक जी से शादी हुई। यहीं महादेवगढ़ मंदिर में हम लोगों ने शादी की थी और फिर यहीं से हमारा सफर शुरू हुआ। इसके बाद मैं यहीं पे आती रहती हूँ अक्सर। हम लोग आते हैं मंदिर में शिव जी के पास, और कुछ बार मैं पार्वती भी बनी थी कई बार यात्राओं में, शिव यात्रा में। एंड मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे मतलब कोई डर नहीं है, नारी का बहुत जो है सम्मान किया जाता है यहाँ पे। मुझे तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा सम्मान मिला, सब कुछ मिला, साथ मिला, सपोर्ट मिला। यहाँ पे मेरे बहुत सारे भाई भी हैं जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। हिंदू धर्म अपनाने की वजह है कि मुझे अच्छा लगता है वो धर्म, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक तरह से आजादी दी जाती है लड़कियों को, नारियों को, कि वो मतलब अपने सपने पूरे कर सकती है आजादी के साथ, मतलब सब कुछ कर सकती है, उन्हें सम्मान भी दिया जाता है साथ में। तो इस वजह से मैं हिंदू धर्म में आई हूँ। यहाँ पे हिंदू धर्म में जैसे कि मिट्टी में भी प्राण डाले जाते हैं, और जो कि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई हिंसा नहीं होती है, एक बात ये भी है। सो इसलिए मैं यहाँ हिंदू धर्म में अपनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा हिंदू धर्म, मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था। हम लोग बचपन से ही आरती भजन सब चीजें हमको आती थी, इसलिए मुझे हिंदू धर्म पहले से ही पसंद था। और मेरे साथी भी हिंदू धर्म के मिले तो मैंने हिंदू धर्म में सम्मान लिया। क्या नाम था पहले आपका? मेरा नाम निकत हुसैन था, अब निकिता राठौर है। मैं और लड़कियों के लिए यही बोलना चाहती हूँ, मेरी बहनों के लिए, कि वो भी इस हिंदू धर्म में आए और उनका इज्जत बढ़ाए। महादेवगढ़ आके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्रशंसा हुई। वो हमेशा मैं आती हूँ महादेवगढ़। तो हम नर्मदा नगर में रहते थे पर अब खंडवा में आ गए। देखिए अभी सामने तो आपको दो ही दिख रही है, और अभी 1.5 माह पूर्व भी एक ब्रह्मपुर की बहन यहाँ से जो है घर वापसी करके गई है। और महादेवगढ़ से ऐसी सैकड़ों बहनें जो कि उनके धर्म में हिंसा से पीड़ित थी, धर्म के आचरण से पीड़ित थी, उन कई बहनों ने अपने अपने हिंदू वर चुने। और चूंकि उन्हें महादेव से एक विश्वास था, इसलिए महादेवगढ़ पर जैसे आपने अभी देखा नरसिंहगढ़ की जो बहन है और नरसिंहगढ़ का दीपक, मतलब हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं, पर इनका अचानक महादेवगढ़ आना होता है और कहना होता है कि भाई साहब हमारा विवाह यहाँ पर करवा दो। और गदर टू की सकीना नहीं है ये नरसिंहगढ़ की सकीना से जो ये शालिनी बनी, और शालिनी बनने के बाद ये भी बहुत यहाँ प्रसन्न है। दूसरी हमारी बहन क्या नाम निकिता भी जो है वो यहाँ पर काफी प्रसन्न है यहाँ पर आकर। तो यहाँ तो ये दरवाजा भोलेनाथ का है, ये दरवाजा खुला है, जो आएगा सो पाएगा। इसलिए सनातन धर्म में सबका सम्मान है, सब आए घर वापसी करें। कई बहनों को तो स्वप्न में भी भोलेनाथ आते हैं, कई बहनें बोलती है कि हम नवरात्रा के त्योहार में परिवार वालों से छुप छुप के जाते थे, वहां आरती करते थे, फिर हमारे मन में हिंदुत्व जगा, सनातन के प्रति स्नेह जगा, प्रेम जगा, और हमने उचित सनातन धर्म का हिंदू वर ढूंढा और यहाँ पर आई। और यहाँ पर उनको हमने जो है पूरी सुरक्षा की भावना से, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बहन एक वर्ष रही यहाँ महादेवगढ़ के समस्त हजारों लाखों भक्तों के बीच में, पर सुरक्षित रही, आज ये अपने घर है, प्रसन्न है, और सभी आए और सनातन धर्म के साथ जो है अपनी घर वापसी करें, यही मेरा संदेश है। नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी, खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं
आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।